नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। खेला अभी बाकी है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। उसमें 5 बड़ी खबरें, एक एक करके जान लीजिए। पहली बड़ी खबर, आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त। और दूसरी बड़ी खबर है, शाम 7 बजे जेडीयू विधायक दल की अहम बैठक होनी है। तीसरी बड़ी खबर, आरजेडी में आखिरी फैसला लालू यादव लेंगे। चौथी अहम खबर, तेजस्वी ने कहा बिहार में खेला अभी बाकी है। और पांचवी खबर, पटना में कल भी खुलेगा सचिवालय, शपथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें जो बता रहे हैं कि बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। और आज ही इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, ये अभी की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। शाम 7 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक की जानकारी हमने साझा की आपसे। और मुख्यमंत्री आवास में होगी विधायकों की बैठक। सबसे बड़ी बात ये कि इस बैठक के बाद जो फैसला है वो लगभग लिए जाने की तैयारी हो चुकी है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू मीटिंग पर रिपोर्टर रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ सीएम आवास से जुड़ रहे हैं। रुपेश, सबसे बड़ी जानकारी ये कि शाम 7 बजे जो मीटिंग होनी है वो बहुत मायने रखती है। क्या अपडेट इस मीटिंग से जुड़ा हुआ, और उसके बाद अंतिम फैसला कब तक औपचारिक होगा? देखिए, जब भी सरकार बननी होती है या फिर सरकार में कोई बदलाव होता है, सरकार गठन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होती है विधायक दल की बैठक। क्योंकि अगर राजद को छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनानी है तो भाजपा के समर्थन का पत्र भी चाहिए और अपने विधायकों के समर्थन का पत्र भी चाहिए। और जीतन राम मांझी जिनके पास सत्ता की कुंजी है, उनके विधायकों के समर्थन का पत्र भी चाहिए। और जीतन राम मांझी शाम 7 बजे अपने 12M स्टैंड रोड वाले आवास पे अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि उनको राजद की तरफ से भी ऑफर दिया गया था और उस ऑफर की जानकारी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी दे दी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के पास पहुँच गए उससे बड़ा ऑफर लेकर के। तो ये तमाम सियासी खेल, तमाम सियासी दाँव पेच जो हैं इस उलटफेर के बीच, तमाम सियासी जो अबूझ पहेली है पिछले 5 दिनों से, ये बिहार की सियासत एक अबूझ पहेली से कम नहीं है। तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने आप में एक रहस्यमय तरीके से दिख सब कुछ रहा है, लेकिन पत्ते कोई खोलना नहीं चाहता है। राजद विधायक दल की बैठक हो गई, वहाँ तमाम चीज़ें तय हो गई, लेकिन राजद विधायक दल के बाहर निकलने वाले विधायकों ने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हो गई, लेकिन कोर कमेटी के सदस्यों ने कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार के कोर ग्रुप की बैठक हो गई जिसमें 6 मंत्री शामिल थे, बिहार विधान परिषद के सभापति तक शामिल थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम क्या करने वाले हैं, हम इस्तीफा देने वाले हैं कुछ ही घंटों में। संकेतों की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है रुपेश, संकेतों की राजनीति। इधर बड़ी जानकारी मिल रही है, आरजेडी की बैठक में बोले हैं तेजस्वी यादव, बिहार में खेल अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि हमने नीतीश का हमेशा सम्मान किया, मैंने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया। और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि हम गठबंधन के साथ बने हुए हैं। पंकज झा तेजस्वी यादव के घर से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात, इस वक्त तेजस्वी कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है, लेकिन इस खेल में तेजस्वी जीतते हुए तो कहीं नजर आते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए, 2 तरीके के खेल हैं प्रीति। एक तो पहला जो वो बहुमत का आंकड़ा वाली बात है, उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से कोशिशें की लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली। तो जनता के सामने अपना एक ब्रेव फ्रंट दिखाने के लिए कहा जा रहा खेल अभी बाकी है, वो खेल होगा लोकसभा चुनाव का, आने वाले वक्त का और जनता के बीच जाकर संघर्ष करने का। और यही बात विधायकों की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ही हमारा मालिक है और आखिरी फैसले के लिए अपने से अनुभवी और अपने पिता को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। सभी विधायकों ने आम सहमति से कहा इस बारे में जो फैसला करेंगे वो लालू यादव कहेंगे, अपने नेताओं को कह दिया गया है कि अभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, वो चाहते हैं शुरुआत नीतीश के कैंप की तरफ से हो। लेकिन इसकी शुरुआत तो उनकी बेटी रोहिणी के ट्वीट से हो ही चुकी थी, हालांकि उसे बाद में रोलबैक कर लिया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर पंकज इस वक्त आ रही है, पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में विधायक, सांसद और प्रभारी शामिल हुए हैं। बिहार के सियासी हलचल पर मंथन जारी है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में विधायक, सांसद और प्रभारियों के शामिल होने की खबर आ रही है। लेकिन समझिए, इस वक्त बिहार में जो बैठक हो रही है वो सीधे तौर पर हम ये
कह सकते हैं कि बीजेपी अगर बैठक कर रही है तो बिहार के सियासी हालात जो इस वक्त है उस पर ही ये बैठक हो रही होगी। हालांकि और अपडेट्स के लिए रजनीश रंजन का रुख कर लेते हैं, पटना बीजेपी ऑफिस से वो लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, बैठक को लेकर क्या खबर आ रही है, बिहार में अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, बिहार में जो इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है उस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ विधायक ही नहीं है यहाँ पर बल्कि पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया है और बैठक शुरू होने से पहले कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। सबका यही कहना है कि जो इस वक्त की मौजूदा स्थिति है उस पर नज़र बनाए हुए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि इसी बैठक में ये निर्णय लेना है और ये बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि निर्णय लिया जा चुका है, नीतीश कुमार को समर्थन दिए जाने की जो रूपरेखा है वो इस बैठक में तय की जाएगी। तमाम विधायकों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे और नीतीश कुमार को ये बताया जाएगा कि आपको अब समर्थन देने के लिए बीजेपी तैयार है और इसी लिहाज से ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि रखिएगा इस बैठक पर हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, पंकज आपका भी और रुपेश आपका भी रुख करेंगे। लेकिन इस बीच बिहार में सियासी पारा अपने चरम पर है, नीतीश कुमार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष है, लेकिन राजनीति की दूरी वही बने हुए हैं इस वक्त। आखिर नीतीश में ऐसा क्या है कि वो बड़ी पार्टियों का दामन कपड़े की तरह बदल लेते हैं? नीतीश कभी जंगल राज और कभी सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर कैसे राजनीति के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग मार लेते हैं? और इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने वाले नीतीश ने लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आखिर क्यों गठबंधन को ही झटका दे दिया, जानते हैं आज के न्यूज मेकर नीतीश कुमार की कहानी। एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चलेगा। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना, या अच्छी तरह जान लीजिए, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है। राजनीति संभावनाओं और असंभव का खेल है। संभावनाओं की बाजी हो तो नीतीश कुमार इस खेल के सबसे बड़े बाजीगरों में से आते हैं। मौजूदा अटकलों और संभावनाओं का ये वो दौर है जो एक गलत चाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बाजी बदल सकता है। तो ऐसे में नीतीश के बदलाव दिल से हैं या दिमाग से, इसका जवाब नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं दे सकता। समाजवादी नीतीश कुमार कोई चाल चल रहे हैं या ध्यान भटकाकर हाथ की सफाई, ये सवाल सत्ता के गलियारों में है। कुछ लोगों का दावा है कि राजनीति सत्ता पाने और फिर सत्ता में बने रहने का जरिया है। इस खेल के नीतीश माहिर खिलाड़ी हैं। अवसरों को भांपने की कला उनके जैसी किसी दूसरे नेता में नहीं है। यही वजह है कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि उनकी टाइमिंग हमेशा नीतीश के लिए फायदेमंद रही है। लेकिन अब उनके एक छोर से दूसरे छोर तक सफर में कुछ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन भी हैं। राजनीति स्थायी नहीं होती लेकिन बयान जरूर देर तक गूंजते रहते हैं। नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता है आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूँ, पार्टी सर्वोपरि। आमतौर पर राज्य में अगड़ों की पहली पसंद और प्रधानमंत्री मोदी के पिछड़े वर्ग से आने की वजह से बीजेपी इन दोनों वर्गों को साथ में रखने की कोशिश करती रही है और इसमें नीतीश का कुर्मी जाति से आना दोनों के लिए फायदेमंद रहा है। बिहार की राजनीति से शुरू हुआ जातिगत जनगणना का फॉर्मूला विपक्ष ने खूब उछाला है कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम
बीजेपी को, बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। सवाल यह है कि जाति फॉर्मूले पर विपक्ष की रणनीति की नींव रखने वाले नीतीश चुनाव के करीब आते ही नए रंग में क्यों नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के लिए जाति की गणना को ही मुख्य मुद्दा बनाया है। ये मुद्दा भी नीतीश ने ही सबसे पुरजोर तरीके से उठाया था। इसकी शुरुआत नीतीश ने तभी कर दी थी जब राज्य में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। नीतीश कैबिनेट में जब ये फैसला हुआ कि राज्य में हर जाति की गिनती की जाए तो हिस्सेदार बीजेपी भी थी। जातिगत गणना होते होते सियासी समीकरण बदल गए और 2024 के चुनाव से ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल 2023 में ये गिनती शुरू कर दी गई। कोर्ट कचहरी में भी इसका रास्ता ना रुके तो इसे जातिगत जनगणना नहीं सर्वे का नाम दिया गया। प्लान साफ था कि किसी भी तरह जातियों के समीकरणों को दोबारा से लिखा जाए। प्लान काम कर गया और नतीजे आते ही खलबली भी मच गई। राज्य में जाति के नाम पर राजनीति करने वाली सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही है। जाति का फॉर्मूला लेकर नीतीश अगड़ों की अगवा बीजेपी के साथ जाते हैं तो फायदा किसे मिलेगा ये अभी समझना मुश्किल है। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। अब इसमें शक नहीं कि नीतीश का प्लान क्या है। वो जाति की राजनीति पर ही अपना दांव लगाना चाहेंगे। पिछड़ों के वोटों के लिए बीजेपी उनके चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है जबकि अगड़ी जाति बीजेपी के खेमे में पहले से ही है। नीतीश में सियासी संतुलन की काबिलियत है। पिछले साल ही वो उन सभी पार्टियों को साथ लाने में कामयाब हुए थे जो क्षेत्रीय स्तर पर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। बंगाल में लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन सबको साथ लाने में नीतीश की भूमिका काफी हद तक वैसी ही रही जैसी कभी जॉर्ज फर्नांडिस की एनडीए में थी। 1998 में केंद्र में कांग्रेस समर्थित थर्ड फ्रंट की सरकार थी। विपक्ष बिखरा हुआ था। जॉर्ज ने उस दौरान छोटी बड़ी पार्टियों को जोड़ा। समाजवादी जॉर्ज हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के खेमे में कई दलों को लेकर आए। नीतीश कुमार उसी समता पार्टी के सदस्य थे जिसके जॉर्ज अध्यक्ष थे। जॉर्ज की मेहनत से एक एक करके कांग्रेस के सामने 24 पार्टियां एक साथ आकर एनडीए बन गई। 1996 में जब अटल सरकार एक वोट से गिर गई तो जॉर्ज ने एक बार फिर एनडीए का कुनबा बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे कर नए साथी जुटा लिए जिससे एनडीए को स्थायी सरकार मिली। हम लोगों के लिए तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक भी थे। ९४ में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार उन बेहद गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने राजनीति के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव का सफर आसानी से किया। समता पार्टी में जॉर्ज के साथ वो एनडीए का हिस्सा रहे और रेल जैसा अहम मंत्रालय संभाले। मैं नीतीश कुमार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। आज बात हो गई है, आप समझ गए, दिन में बात करा ही दी आपको कांग्रेस से। अब उसके बाद वहाँ जो बात हुई और उसके बाद तो हम लोगों का पहले दिन से बात थी ही, आज फिर आ गए, आज हम लोगों का ये तय हो गया कि नहीं ठीक। मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो सत्ता की धुरी भी रहे और विपक्ष की भी, जो नरेंद्र मोदी के विरोध में भी रहे और उनके साथ भी। उन्होंने लालू यादव का विरोध किया और साथ भी दिया। परिवारवाद पर उन्होंने चोट की और लालू यादव के बेटों को अपने सरकार में साथ भी लिया। यही विरोधाभास नीतीश कुमार को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। नीतीश फिलहाल देश के आखिरी समाजवादी सीएम माने जा सकते हैं। राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, पिछड़ा पावे 100 में 7। कुर्बी जाति से रिश्ता रखने वाले नीतीश के लिए ये नारा अहम था, लेकिन अगला रोल मॉडल सिर्फ नीतीश ही नहीं, उनके जैसे हजारों छात्रों को राजनीति की तरफ खींचने वाला था जेपी आंदोलन। पटना में जेपी आंदोलन में नीतीश भी समाजवाद का नारा लगाने वाले छात्रों में थे। वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ही समता पार्टी में बने रहे। 1995 में समता पार्टी को 7 सीटें मिली। अगले ही साल 1996 में बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन लगातार 17 साल चला, जिसमें उनके हिस्से रेल मंत्रालय के साथ 3 बार बिहार सीएम की कुर्सी आई। लालू यादव नीतीश को छोटा भाई बोलते थे। बिहार की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे सामने खड़े नजर आए। उधर जो चले गए हैं, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। जो वहां चले गए, पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, एक बात जरा बताई थे, कहां जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा है, यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। 2007 में नीतीश ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाई, जो दलितों में भी सबसे पिछड़े लोगों के लिए थी। उनके लिए अलग से योजनाएं भी शुरू की गई। दलितों के सबसे बड़े नेता रहे रामविलास पासवान थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए नीतीश भी पिछड़ों के बड़े चेहरे बनकर उभरे और सवर्ण वोट बीजेपी को मिलते रहे। गठबंधन मजबूत था, लेकिन नीतीश ने यह गठबंधन जून 2013 में तोड़ दिया। उन्होंने वजह बताई, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नीतीश की राजनीति के लिए मोदी का चेहरा परेशानी पैदा कर सकता था और उन्हें खुद को राज्य में बचाए रखना था, जहां की राजनीति में हिंदुत्व नहीं जाति का जाल कुर्सी का रास्ता दिखाता या रोकता है। नीतीश ने अपना रास्ता अलग कर लिया और पुराने राजनीतिक दुश्मन लालू यादव से हाथ मिलाया। साथ में कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल हो गई। 2014 में केंद्र में बीजेपी की जीत के बाद नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को अपनी जगह कुर्सी पर बैठा दिया। 2015 में नीतीश ने दोबारा सीएम कुर्सी पर हक जताया और मांझी ने इनकार किया तो बिहार में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया। 2015 में ही उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन का प्रयोग किया और एक बार फिर बिहार की कुर्सी पर बैठे। लालू से टकराव के बाद भी सीएम बनना एक बड़ा मुकाम था, लेकिन 2017 में नीतीश फिर पलटे और तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद फिर बीजेपी के समर्थन से सीएम बने। 2020 में एक बार फिर नीतीश की हैरान करने वाली राजनीति नजर आई, जब चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ने के बाद सीएम बने नीतीश ने बीजेपी छोड़कर आरजेडी से गठबंधन कर लिया। 8 साल में यह तीसरी बार था जब नीतीश राजनीति के अलग अलग छोर पर खड़ी पार्टियों के साथ खड़े नजर आए। इस्तीफा दिया, नैतिकता की बात कही, महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, महादलित का महिमा मंडन किया और फिर 8 महीने के भीतर ही एक महादलित मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र जो है और दल के भीतर रचा जाने लगा। तो उनकी नैतिकता एक्सपोज हुई है, उनका दलित प्रेम एक्सपोज हुआ है।
अब देश की राजनीति दो राहे पर खड़ी है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और नीतीश अपनी भूमिका धीरे धीरे ही सही एक सधी राह पर ले जा रहे हैं। कभी कांग्रेस को विपक्षी एकजुटता के लिए जिम्मेदार बताने वाले नीतीश को केंद्र में बीजेपी के सामने खालीपन भरने का मौका नजर आ रहा है। वो खुद सार्वजनिक तौर पर खुद को पीएम उम्मीदवारी से दूर रख रहे हैं। सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना या चित्र जान, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे। और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बच्चे से करेंगे। लेकिन फिर भी सारा ताना बाना उन्हीं के इर्द गिर्द है। उनका अगला कदम किसी को नहीं मालूम। एक परिपक्व नेता की तरह उनके दोस्त हर जगह हैं, जो साथ हैं वहां भी और जो साथ नहीं हैं वहां भी। अब उनके तर्कश से निकले जातिगत गणना के तीर से कई राजनीतिक कवच टूट सकते हैं। अगर वो इसमें सफल रहे तो लाल किले की प्राचीर पर नजर आ सकते हैं, और अगर सफल नहीं हुए तो भी पटना के सियासी गलियारों में उनकी छाप खास फीकी नहीं पड़ने वाली। सियासी शतरंज पर ढाई कदम चलने की कला के माहिर हो चुके नीतीश कुमार राजनीति की स्विंग और रिवर्स स्विंग दोनों गेंदबाजी जानते हैं। यही नहीं, वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो लोहिया के समाजवाद, जेपी के संपूर्ण क्रांति, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय से निकल कर आए हैं, जिन्हें अलग अलग शक्तियों को थामना और इस्तेमाल करना आता है।